शुरू करते हैं। भी इस इक्वेशन को जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जहाँ ए जो है राइट एंगल का बेस है, बी जो है उसका हाइट है और सी हाइपोटेनस का स्क्वायर है। दिस इज़ योर वेरी वेरी फेमस इक्वेशन, मैथ्स में स्पेशली अलजेब्रा और ज्योमेट्री में है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और अदर ब्रांचेज में भी हम इसका काफ़ी यूज देखते हैं। अलजेब्रा में अगर हम इसकी रिलेशंस की बात करें तो काफ़ी सटल है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ ए बी सी जो कि साइड्स हैं उसको सिर्फ नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है कि इसमें हम साइड का स्क्वायर कर देंगे, बेस का स्क्वायर कर देंगे, हाइट का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को ऐड करने पे जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होगा। सो इससे कोई मेंटल पिक्चर क्लियर नहीं होता है कि एक्चुअली इसका क्या मतलब है। सो ये आइडिया अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ग्रास्प करना, क्योंकि इसका कोई मेंटल पिक्चर नहीं बनता है। इसके उलट अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो पाइथागोरस का ओरिजिन ग्रीक्स पीपल ने किया था, मेनली पाइथागोरस ने किया था, का थिंकिंग जो है इस थ्योरम को लेकर काफी लॉजिकल, रियलिस्टिक और रियल वर्ल्ड कनेक्टेड था। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो है ए स्क्वायर है वो बेसिकली स्क्वायर वेव के बारे में है जो कि इसके बेस पे बना हुआ है। सिमिलरली जो बेस स्क्वायर है वो स्क्वायर के एरिया के बारे में है जो कि साइड बी पे बना हुआ है, और सी स्क्वायर जो यहाँ पर है वो एक स्क्वायर के एरिया के बारे में हाइपोटेनियस पे बना हुआ है। तो इस तरह से इस इक्वेशन बोलता है कि यहाँ पर जो है सम जो है एरिया का जो कि बेस पे बना हुआ स्क्वायर का एरिया है प्लस जो हाइट पे स्क्वायर का एरिया है उसको हम ऐड करेंगे तो हमें जो तो वो बराबर होगा हाइपोटेनियस पे बने हुए स्क्वायर के एरिया के बराबर। इसका यहाँ हम विजुअल प्रूफ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि ये साइड बेस ए है और ये दूसरा साइड हाइट है जो कि बी लेंथ का है और ये हाइपोटेनियस है जो कि सी लेंथ का है। पाइथागोरस के हिसाब से जो ये आप रिलेशन देख रहे हैं कि ये बेस है इसका स्क्वायर प्लस जो है ये हाइट का स्क्वायर जो कि बराबर होगा सी के स्क्वायर के बराबर, यहाँ पर बेसिकली ये नंबर्स का स्क्वायर है बिल्कुल जो कि एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो टर्म ए स्क्वायर है ये हमारे पास एक ऐसे स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कि जो कि इस साइड बेस पर बना है और इसीलिए इसका साइड कितना होगा, सारा साइड स्क्वायर का सेम होता है ए, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। सो ये जो हमारा ए है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्क्वायर जो कि इस साइड बेस पर बना है उसका एरिया। सिमिलरली जो बी स्क्वायर है वो एक ऐसे स्क्वायर जो कि इस हाइट पर बना हुआ है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये वो स्क्वायर है जिसका कि एरिया बी स्क्वायर है, बिकॉज ये इस साइड पर बना है तो इसका सारा साइड बी होगा, इसीलिए एरिया जो है इसका बी स्क्वायर होगा। अब जो है ये सी स्क्वायर बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के हिसाब से कि इस सी पर हमारे पास एक स्क्वायर होगा जो इस हाइपोटेनियस पे बना होगा, और ये हाइपोटेनियस जो है सिंस इसका सारा सी है तो सारा साइड बराबर होता है तो सभी साइड सी होगा, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग के हिसाब से ये स्क्वायर का जो एरिया है जो बेस पे बना है जो हाइट पे स्क्वायर है उसका एरिया दोनों को हम ऐड करेंगे तो हाइपोटेनियस पे जो बड़ा सा स्क्वायर है उसके एरिया के बराबर होगा। तो हम आपको यहाँ पर इसका प्रूफ देंगे कि क्यों ये सी स्क्वायर जो है इन दोनों के बराबर होना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। अब हमारे पास ये इस पर हाइपोटेनियस स्क्वायर सी स्क्वायर है जिसे हम दिखाना है कि ये एरिया प्लस ये एरिया इस सी स्क्वायर के बराबर है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम इससे स्क्वायर बना लेंगे, ये हमने स्क्वायर बना लिया तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये बेस ए है, ये इसका हाइट बी है और ये हाइपोटेनियस है। इसी तरह से हमारे पास चार हमारे पास इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके सी लेंथ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास चारों साइड सी है, तो इसका जो एरिया हुआ से स्क्वायर हुआ जो कि ये एरिया था। अब हम ये प्रूफ करेंगे यहाँ पर कि ये जो स्क्वायर है जिसमें ये तो ये चार राइट एंगल रहे सेम एरिया का उनका वो रहेगा उसमें, और ये जो स्क्वायर है इतना सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हम आप लोगों को बेसिकली ये प्रूफ करेंगे जो सी स्क्वायर का जो स्पेस है इस स्क्वायर में वो बराबर है इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे दो स्क्वायर फॉर्म करेंगे, इन प्लेस सी को हटा देंगे, सी स्क्वायर स्क्वायर को हटा देंगे और इसके प्लेस पे हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पर दिखाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ये सी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ इस प्लेस पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाना है, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और ये पोर्शन मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब हम फिर से इस पॉइंट को यहाँ पर बहुत ही सावधानी से लगा दे रहेंगे, ये वाला कॉर्नर इसको हम यहाँ लेकर आएंगे ताकि यहाँ से एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए, और फिर ये वाला पोर्शन को इससे हम
इसको वहाँ पर ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और हम फिर रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हम यहाँ स्वाइप करके लेकर आ रहे हैं, ठीक। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है ऐसे मैंने स्वाइप कर दिया, तो जिसका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट कितना है, बी है, और ये वाला पार्ट ए है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम इसको हम आगे स्वाइप करेंगे और इसको हम यहाँ स्वाइप करेंगे, फाइन। सो इससे हुआ क्या, सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑफकोर्स दो रेक्टेंगल को फॉर्म करेंगे जिसका लेंथ और ब्रेथ, ए लेंथ ए होगा, ब्रेथ बी होगा। सिमिलरली यहाँ पर है तो ये आपका ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये स्पेस बचा हुआ है इस स्क्वायर में। अब सिंस ये स्पेस, तो आपको यही याद है कि ये सी स्क्वायर के बराबर है, तो हमें ये बताना है कि जो स्पेस बाकी बचा हुआ है वो बेसिकली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है, ये लेंथ वो कितना है, बी, और ये वाला लेंथ कितना है, ये भी बी है, तो एरिया कितना हो गया, बी स्क्वायर। अब ये वाला छोटा सा पार्ट आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट क्या है, ए है, और ये वाला पार्ट भी ए है, तो ये स्क्वायर हुआ जिसमें सब ए है, ए है, ये भी ए है, क्या होगा, ए स्क्वायर। तो आराम से आप देख सकते हैं कि जो एरिया इसने ले रखा था इसमें सी स्क्वायर, वो अब एरिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह से हम विजुअली प्रूव कर चुके हैं कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है वो बराबर है सी स्क्वायर के। तो वो जो लाल वाला बटन है उसे झटका दो या धक्का, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।